आज हम बनाने वाले हैं एक आयुर्वेदिक नीम सोप, नीम का साबुन। ये साबुन अगर हम मार्केट से ख़रीदें तो ये हमें बहुत कॉस्टली पड़ता है, और ये पड़ेगा हमें मार्केट से 478 रुपये का, जिसके अगर हम 100 ग्राम वैल्यू निकालें तो ये लगभग पड़ती है हमें 50 रुपये के लगभग। और अगर हम यही साबुन घर पे बनाएंगे तो हमें पड़ेगी 225 रुपये की एक किलो, यानी कि 25 रुपये की 100 ग्राम। कीमत में अगर हम देखें तो लगभग आधी है, और अगर गुणों में देखें तो डबल है, यानी कि घर पे बनी हुई साबुन अच्छी गुणवत्तापूर्ण और सस्ती पड़ेगी। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी सोप बेस की, तो सोप बेस ऑनलाइन मंगाना पड़ता है। ये ऑनलाइन लगभग 225 रुपये का एक किलो आ जाता है। तो इसको हम सबसे पहले कट करेंगे, और कट करके हम इसको पिघलाएंगे। तो हम इसको कट कर लेते हैं, इतनी से आवश्यकता है हमें, इसलिए चाकू से हम इतना ही कट करेंगे, बाकी को हम रख देंगे, बाकी का बाद में बनाएंगे। तो ये लगभग 150 ग्राम के लगभग होगा पीस, और इसको अब हम छोटे 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 टुकड़ों के अंदर काट लेते हैं, क्योंकि बड़ा पीस तो पूरा पिघलेगा नहीं, इसलिए हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ही काटते हैं। तो ये लगभग कट चुका है पूरा का पूरा पीस। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें मिलाने के लिए नीम जूस की। तो इसके लिए सबसे पहले हम नीम की पत्तियां तोड़ते हैं। तो पेड़ से हमने तोड़ी नीम की पत्तियां जूस बनाने के लिए। इसके बाद पूरी नीम की पत्तियों को तोड़कर हम मिक्सी के ग्राइंडर में इसको डाल देते हैं, ताकि इसका जूस बनाया जा सके। करते हैं मिक्सी के अंदर इसको ग्राइंड। ग्राइंड हो गया है, और ग्राइंड होने के बाद अब इसको हम छानेंगे। तो छानने के लिए हम एक कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो जूस छानने की जो जर है उसमें तो काफ़ी मोटा है, वो निकल जाएगा। इसमें कपड़े से केवल जूस ही निकलेगा बाहर, इसलिए हम कपड़े का इस्तेमाल करते हैं छानने के लिए। तो पूरा का पूरा जो पेस्ट है नीम की पत्तियों का, वो हम इस कपड़े में डाल देते हैं, और इसके बाद इसको अच्छी तरह दबाकर इसका पूरा का पूरा जूस इस कटोरी के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि हम साबुन के अंदर शुद्ध नीम का जूस ही डालेंगे, कोई दूसरे फ्लेवर्स नहीं डालने वाले। नीम का जूस तैयार है पूर्णतया, जिसको हम साबुन में डालने वाले हैं, और ये साबुन का जो टुकड़े हैं सोप बेस के, वो भी कंप्लीट हैं। अब इनको हम गर्म करके पिघलाएंगे। इसके लिए हम डायरेक्ट बगुनी में या जो पैन है उसके अंदर गर्म नहीं करेंगे, इसके लिए हमें पैन के अंदर लेना होगा पानी, ताकि पानी की भाप से इसको पिघलाएंगे। अगर डायरेक्ट गर्म करेंगे तो ये जल जाएगा और कटोरी के चिपक जाएगा, इसलिए कटोरी को पानी के अंदर उबलते हुए पानी में रखना है, जिससे ये सही तरीके से मेल्ट हो जाए। धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है, और इसको हिलाकर अच्छी तरह एक सार भी करते रहें, ताकि इसमें कहीं गुठली रहें। 5-7 मिनट के अंदर ये बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है पिघल के, और अब ये पूर्णतया रेडी है इसमें नीम का जूस मिलाने के लिए। तो ये नीम जूस भी तैयार है, और इस नीम के जूस को हम इसी वक्त इसके अंदर मिला देते हैं, क्योंकि अभी पूर्णतया मेल्टेड है, तो ये पूरी तरह घुल भी जाएगा और अच्छे कलर भी देगा, और इसमें कोई गुठली भी नहीं रहेगी। तो जूस मिलाने के बाद अब इसको अच्छी तरह हिलाते हैं, ताकि जूस साबुन के पेस्ट में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मिक्स कर दिया है इसको, अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई लंप नहीं है, कोई गुठली नहीं है, और पूरा ये नीम का जूस एक सार हो गया है, और रंग भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। अब इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ी सी खुशबू, क्योंकि जो सोप बेस आता है उसमें न कलर आता है और न ही खुशबू आती है, बिल्कुल वो सोप बेस से साधारण साबुन है। तो इसके लिए हम किसी भी परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो खुशबू इसके अंदर हम डाल देंगे, ताकि नहाते वक्त अच्छी सी खुशबू भी आए। खुशबू डालने के बाद बस थोड़ा सा और हिलाना है, ताकि पूरी स्मेल इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब साबुन हमारा पूर्णतया रेडी है जमने के लिए, क्योंकि अभी तो इसको जमाना है ठंडा करके। तो कटोरी को बाहर निकाल कर सामान्य टेम्परेचर पर हम रख देते हैं, लगभग एक घंटे बाद ये स्वतः ही जम जाएगा। और अगर जल्दी जमाना हो तो थोड़ा सा ठंडा होते ही हम इसको बर्फ़ के पानी में भी रख सकते हैं, जिससे मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ये पूर्णतया साबुन बन जाएगा जमकर। साबुन हमारा जम गया है, तैयार है, और इसको अब हम बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से ये साबुन बाहर निकल जाएगा। अब ये इतना बड़ा है कि डायरेक्ट तो इसको काम में लिया नहीं जा सकता, इसके दो टुकड़े या चार टुकड़े करके हम आसानी से काम में ले सकते हैं। अब करते हैं इसको चेक कि इसको कितना झाग देगा या किस तरह का रहेगा। तो इसको हम चेक करते हैं हाथ धोकर कि कितना झाग देगा। तो ये बिल्कुल एक सामान्य जो हमारा साबुन होता है पियर्स होता है, उसी की तरह झाग देना शुरू कर देता है।
तो हमारा जो साबुन बनाना है वो सक्सेस रहा। और इस तरह हम चंदन सोप, दूध सोप या अन्य जो भी तुलसी वाला सोप है वो हम बना सकते हैं। तुलसी वाले सोप, नीम सोप में, एलोवेरा जूस में करना कुछ नहीं है, इनके जूस नीम के जूस की जगह मिलाना होता है और हमारे ये साबुन तैयार हो जाता है। ये साबुन मार्केट से बहुत अच्छे होते हैं और हमारी स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए मार्केट्स के साबुन की जगह अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।